हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में विशेष स्किल से जुड़ी मांसपेशियों के नाम बता रही हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से चाहे वो KBS, NBS, LT, UGC, GRF, UPTGT, PGT, कोई भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, और यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला है बॉक्सर मसल्स। बॉक्सर मसल्स किसे कहते हैं? जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। तो बॉक्सर मसल किसे कहते हैं? लैटिमस डोर्सी को। किसको कहते हैं? लैटिमस डोर्सी को, जो कहाँ होती है? कमर के पास से ऊपर पीठ पर, मतलब कमर के थोड़ा ऊपर पीठ पर, ट्रेपेजियस के नीचे होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बॉक्सर मसल। जब हम बॉक्सिंग करते हैं तो लैटिमस डोर्सी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। दूसरा है रोइंग मसल्स। रोइंग मसल्स किसे कहते हैं? तो लैटिमस डोर्सी को ही। बॉक्सर मसल्स एंड रोइंग मसल्स दोनों लैटिमस डोर्सी को बोलते हैं। एंड स्विमर मसल्स, स्विमर मसल्स कौन सा होता है? डेल्टायन एंड लैटिमस डोर्सी भी आ जाता है इसमें। तो स्विमर मसल, जब हम स्विम करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रयोग हमारे डेल्टायन मांसपेशी, जो हमारे कंधे पर पाई जाती है। डेल्टायड कहाँ पाई जाती है? कंधे में। ठीक है, एंड लिफ्टर मसल्स, किसी को यदि हमें किसी को सहायता करना है, लिफ्ट देना है, तो लिफ्टर मसल्स किसे कहते हैं? डेल्टायड मसल को ही कहते हैं। एक कहाँ पाई जाती है? कंधे पर। ठीक है, स्विमर मसल्स, लिफ्टर मसल्स डेल्टायड को बोलते हैं। ठीक है, एंड थ्रोइंग मसल्स किसे बोलते हैं? नेक्स्ट है थ्रोइंग मसल्स। थ्रोइंग यानी किसी चीज को थ्रो करने में कौन सी मांसपेशी का यूज होता है सबसे ज्यादा? जो हमारे वक्ष पर पाई जाती है, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी को क्या कहते हैं? थ्रोइंग मसल्स बोलते हैं। और टेलर मसल्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि टेलर मसल्स किसे बोला जाता है, तो टेलर मसल्स हमारे जांग पर पाई जाती है, एक लंबी सी रिबन सी आकार के पट्टी जैसी, जैसा कि आप सबको विदित हो गया होगा, सार्टोरियस मसल्स। ठीक है, इस मसल्स को टेलर मसल्स भी बोला जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, टेलर मसल्स यानी सार्टोरियस मसल। ठीक है, मलखम्ब या राइडर मसल, मलखम्ब या राइडर मसल्स किसे कहते हैं? तो मलखम्ब और राइडर मसल्स जो है, एडक्टर मंगस को बोला जाता है। एडक्टर मंगस मांसपेशी को मलखम या राइडर मसल बोलते हैं। ठीक है, एंड कॉफ मसल्स किसे बोला जाता है? जैसे कि टेलर मसल्स सार्टोरियस को बोला गया, और कॉफ मसल्स जो है गैस्ट्रोनिमियस को बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे जांग के नीचे और पैर के पिछले भाग में पाया जाता है, घुटने के थोड़ा नीचे पिछले भाग में जो उठा हुआ भाग होता है वो गैस्ट्रोनिमियस होता है, कॉफ मसल्स। ठीक है, और राइप क्लिम्बर मसल्स किसे बोला जाता है? राइप क्लिम्बर मसल्स लैटिमस डोर्सी को। ठीक है, एंड आगे की ओर झुकने में कौन सी मांसपेशी संकुचित होता है? क्वाड्रिसेप्स, जो रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस, चार से मिलकर बना होता है, जो ऊपरी जांघ की पेशी होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों कुछ विशेष खेलों से, खेलों की स्किल से रिलेटेड मसल्स के नाम, जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, एंड
नेक्स्ट वीडियो मांसपेशियों की स्थिति, यानी कि कौन सी मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है, उससे रिलेटेड वीडियो होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।